सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनु स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षुओं का जो उनका अंक पत्र है वो कब उन्हें मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि 2018 बैच और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का जो एग्जाम डेट है वो कब डिसाइड होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2017 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करें अगर तो इनके अंक पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। डीएलएड सक्रिय टीम के सदस्यों ने बुधवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी से 2017 बैच की मार्कशीट के संबंध में वार्ता की। सचिव ने बताया कि प्रशिक्षुओं को मार्कशीट एक सप्ताह में कॉलेज को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे अपने अपने जिले के डायट से सत्यापित कराना होगा। मिलने वालों में इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों के जो अंक पत्र हैं वो जल्द ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, कहीं ना कहीं अब पीएनपी एक्टिव दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से अगर एक्टिव है तो 2018 बैच और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोग के एग्जाम निश्चित रूप से वो करा लेंगी। अब देखिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर फैसला जल्द। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं उन्होंने क्या कहा है, आप देखिए परीक्षाओं को लेकर के। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण का सकारात्मक पक्ष यह है कि ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चुनाव में गुरुजनों की विद्वता को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि परीक्षाएं ली जाएं अथवा बिना परीक्षा परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी है वो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग के एग्जाम होने हैं या प्रमोट होना है दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि जो आप लोगों का डीएलएड कोर्स है ये एक प्रशिक्षण कोर्स है। बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट कर रहे थे कि मैम ये तो डिप्लोमा है। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो इसका फुल फॉर्म है आपके डीएलएड का, ये तो फुल फॉर्म है लेकिन इसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, मेन चीज यही है। तो ट्रेनिंग में दोस्तों अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रोन्नत कर दिया जाए, तो देखिए अभी आगे फैसला क्या होता है। लेकिन अब फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है तो कहीं ना कहीं अब आप लोग का भी धैर्य जवाब दे दिया है। लगातार आप लोग कंफ्यूजन में है कि हम पढ़ाई करें या फिर ना करें, लेकिन हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी आप लोग के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, रिविजन क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं सभी विषयों के। आप सभी विषयों के रिविजन क्लासेस हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आपको सभी विषयों के प्ले लिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और आप जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों को ये पता चल सके कि अब जो परीक्षाएं हैं उन पर जल्द फैसला लिया जाना है। और अगर विश्वविद्यालयों के लिए फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें डीएलएड एग्जाम भी शामिल होगा और ये सभी एग्जाम के लिए फैसला लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों की भी एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी बहुत ही जल्द। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों को थोड़ा सा और धैर्य दिखाना है, निश्चित रूप से आप लोग का एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों और ऐसे ही लगातार परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए और सभी विषयों के रिविजन क्लासेस आप लोग जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने स्पेशली आप ही लोगों के लिए रिविजन क्लासेस स्टार्ट किया है और लगातार आप लोग के सभी विषय को हम कवर कर रहे हैं और अच्छे से हर एक विषय के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करा रहे हैं, जिससे आप लोग का सभी चैप्टर बिल्कुल रिवाइज हो जाए। और इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन करवा रहे हैं, जिससे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो और आप सभी विषयों को ऐसे ही पढ़ते रहे। तो दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सभी तरीके के इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपके परीक्षा से रिलेटेड। तो वैसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।